परार्थ से अधिक संख्या वाले परिवारों की समृद्धियों से समस्त पर्व स्थानों में सब दिशाओं में उसकी सुरक्षा की थी। वह रथ 10 योजन ऊंचा और 4 योजन चौड़ा था। ऐसा वह महारागी का चक्र राज रथेंद्र गमन करता हुआ शोभित हुआ था। श्यामा और दंडनाथा के द्वारा सेवित वह रथ रवाना हुआ था। उस बाला के आगे गेय चक्र था। अन्य शक्तियों के भी वाहन परार्थ के नरसिंह, उष्ट्र, नर, व्याल, मृग, पक्षी और हय थे। हाथी, भेरुंड, व्याघ्र, वात, मृग ऐसे और तिर्यक योनि वाले भी उनके वाहन थे। बार बार उच्चावच शक्तियां भंडासुर के वध करने के लिए उद्यत हुई थी। उसका द्वार मंडल भी योजन आयाम विस्तार वाला था, जो वहीन प्राकार चक्र के सेनापति को पर्याप्त नहीं था। ज्वाला मालिनी का नित्या ने द्वार की अत्यंत विस्तुति को विस्तृत किया था। यह समस्त सेनाओं की निर्गम की चाहने वाली थी। इसके उपरांत जगतों की माता महोदया महारागी प्रतापिनी वर द्वार से अग्निपुर से निर्गत हुई थी। उस समय देवों ने धुंधुबियों को बजाया था और पुष्पों की वृष्टि हुई थी। महामुक्ताओं का छत्र देवलोक में दीप्त दिखाई दिया था। परम प्रशस्त उस बेला में शकुन हुए थे, जो जयश्री के बताने वाले थे। ललिता की सेना में तो अच्छे निमित हुए थे और शत्रु की सेना में उत्पात हुए थे। फिर दोनों सेनाओं में युद्ध प्रवृत्त हो गया था। सपाटा भरते हुए वाणों से युद्ध में सोमभद्र अंधकार की छटा थी। मारे गए हाथियों के समुदाय से निकले हुए रुधिर की बिंदुएं छा रही थी। ह्रियमाण शिरों से छन्न दैत्यों के आत्पत्र थे। न तो उस समय में दिशाएं दिखाई दे रही थी और न आकाश और न भूमि ही दिखाई पड़ रही थी। केवल मूर्छित रज ही दिखाई दे रही थी। उस युद्ध में शोणित की नदी बह रही थी। जो धड़ नाच रहे थे वे ही उस नदी के तट पर स्थित वृक्ष थे। दैत्यों के जो सहस्त्र केशों के जुड़े थे वही कोमल शैवलांकुर थे। श्वेत छत्रों के जो वलय थे वे ही भासुर कमल उस नदी में थे। चक्र से कटे हुए करियों के समुदाय ही उसमें कूर्मों की परंपरा थी। शक्तियों के द्वारा ध्वस्त महान दैत्यों के गलगंड ही उस नदी में शिलोच्य थे। जिनके कांड विलून हो गए हैं, ऐ चमर जो उसमें थे वे ही फेन थे। तीक्ष्ण जो असियां थी वे ही वल्लरी थी, जिनके कारण उस नदी की तट भूमि निविड़ हो रही थी। दैत्यों के नेत्रों की श्रेणियां ही मुक्ति संपुट थे, जिससे वह नदी भासुर थी। दैत्य वाहनों के समुदाय ही उस शोणित की नदी में सैकड़ों नक्र और मछलियां थी, जिनसे वह घिरी हुई थी। दोनों सेनाओं का युद्ध होने पर वहां रुधिर की नदी प्रवाहित हो रही थी। इसके अनंतर श्री ललिता देवी और भंड का युद्ध हुआ था। उसमें अस्त्रों और प्रत्यस्त्र का ऐसा संक्षोभ हुआ था कि समस्त दिशाएं तुमूलीकृत हो गई थी। वह युद्ध धनुष की डोरी की टंकारों और हुंकारों से अत्यंत भीषण हो गया था। तुनीर से निकालकर खींचे हुए धनुषों से छोड़े गए महान भयंकर बाणों से जो युद्ध में प्राणों के हरण करने वाले थे, वह रण बहुत ही भयानक था। शरों के छोड़ने में महारागी के कर कमलों का व्यापार हाथ की सफाई के वेग से कुछ भी नहीं जान पाया था। हे कुंभ संभव, संग्राम में जो हुआ था उस सबको मैं बतलाऊंगा, आप श्रवण करिए। वे बाण ऐसे थे कि संधान के समय में एक ही प्रकार का था, वही चाप से निकलने पर 10 प्रकार का हो जाता था। गगन में 100 प्रकार का, दैत्यों की सेना में प्राप्त होने पर 1000 प्रकार का होता था और दैत्यों के अंगों के संगम में संप्राप्त होकर करोड़ों प्रकार का हो जाता था। परांधकार का सृजन करती हुई और रोदसी को शरों से भेदन करती हुई महारागी ने विशाल बाणों से प्रचंड के मर्मों का भेदन कर दिया था। भंड ने क्रोध से लाल नेत्रों को वहन करते हुए उस दैत्य ने बड़े पारिशरों के जालों की ललितेश्वरी के ऊपर वर्षा की थी। उसने अंधतामिस्त्र नाम वाले महास्त्र को छोड़ा था। महेश्वरी ने महातरणी वान से उसको काट दिया था। महावीर भंड ने रण में पाखंडास्त्र को छोड़ा था। उसके निवारण के लिए जगदम्बा ने गायत्र्यस्त्र को छोड़ दिया था। भंड ने दृष्टि के विनाशक अंधास्त्र का प्रहार किया था। देवी ने चाक्षुष मन महास्त्र के द्वारा उसका शमन कर दिया था। उस महारण में भंड ने शक्ति नाशक नाम वाले अस्त्र को छोड़ा था। उसका दर्प
विश्वावसु अस्त्र के प्रयोग से दूर कर दिया था। भंड दानव ने अंतकास्त्र को छोड़ा था और बहुत क्रोधित हुआ था। उसके बल को देवी ने महामृत्युंजय अस्त्र से दूर कर दिया था। फिर भंड ने सब अस्त्रों की स्मृति के विनाश करने वाले अस्त्र को छोड़ा था। चक्रेशी ने धारणास्त्र के द्वारा उसका विनाश कर दिया था। शक्तियों को भय देने वाले भयास्त्र का प्रयोग भंड ने किया था और जगदम्बिका ने अभयंकर इंद्रास्त्र को छोड़ दिया था। दानव ने शक्ति सेनाओं में महारोगास्त्र छोड़ दिया था, जिससे राज्य क्षमा आदि सहस्त्रों रोग होते थे। उसके निवारण की सिद्धि के लिए परमेश्वरी ललिता देवी ने नाम त्रय महामंत्र महाअस्त्र का प्रयोग किया था। उस महेशानी को नमस्कार करके उसके भक्तों ने व्याधि मर्दन को करने के लिए तीनों लोकों में नियुक्त अपने स्थान को चले गए थे। शरों से उत्थित अच्युत अनंतर और गोविंद हुंकार मात्र से ही रोगों को दग्ध करके उनको प्रसन्न किया था। इसके उपरांत उस महान भीषण युद्ध स्थल में पराक्रमी फिर भंड ने आयुर्नाशन अस्त्र छोड़ा था और रागी ने काल संकर्षणी रूप अस्त्र को प्रयुक्त किया था। भंड दानव ने उद्दाम महासुरास्त्र को छोड़ दिया था। उससे सहस्त्रों ही महाकाय और महाबली उत्पन्न हो गए थे। मधु कैटब, महिषासुर, धूम्रलोचन और चंड मुंड प्रभृति असुर थे। चिक्षुभ, चामर, रक्त बीज, निशुंभ और महान बलवान काल केय थे। दूसरे धूमाभिधान वाले उस अस्त्र से उत्थित हो गए थे। वे सभी श्रेष्ठ दानव कठोर शस्त्रों के मंडलों से प्रहार कर रहे थे। वे सब शक्ति सेना का मर्दन कर रहे थे और भयानक नर्दन कर रहे थे। हा हा कहकर क्रंदन करती हुई शक्तियां दैत्यों से मर्दित हो रही थी। वे सभी शक्तियां ललिता देवी की शरण में शीघ्रता से प्राप्त हुई थी और रक्षा करो ऐसा कह रही थी। इसके पश्चात वह देवी क्रोध से रुष्ट हो गई थी और उसने अट्ठहास किया था। फिर कोई दुर्गा नाम वाली उत्पन्न हुई थी जो बहुत यशस्विनी थी। यह विश्व रूपिणी सब देवों के तेजों से निर्मित हुई थी। उसको शूली ने शूल दिया था और विष्णु ने चक्र समर्पित किया था। वरुण ने शंख दिया था और अग्नि ने शक्ति दी थी। उस युद्ध में मरुत ने अक्षय चाप और तुनीर दिया था। वज्री ने कुलिश दिया था और धनद ने चषक दिया था। पाशधर ने कालदंड, महादंड और पाश दिया था। ब्रह्मा ने कुंडिका दी थी और ऐरावत ने घंटा दिया था। मृत्यु ने खड़ग और खेत दिया था तथा जल विधि ने हार अर्पित किया था। विश्वकर्मा ने भूषण दिए थे जिनको वह धारण कर रही थी। सहस्त्रों किरणों की श्रेणियां सेनापुर अंगों से सहस्त्रों आयुधों को दीप्त कर रही थी। अन्यों के द्वारा दिए हुए परिच्छेदों से यह शोभायमान थी और सिंह के वाहन पर आरूढ़ होकर उस नारायणी ने युद्ध किया था। उसने वे महिष मुख्य जो दानव थे वे सब मार गिराए थे। चंडिका ने सप्तशती में पहले जो कर्म किया था उसी भांति से महिष प्रभृति के मत का अपहारक युद्ध किया था। उस महान दुष्कर कर्म को करके उसने ललिता देवी को प्रणाम किया था। उस दुष्ट दानव ने शक्तियों की सेना में मूकास्त्र छोड़ा था। उसके प्रतिकार के लिए जगदम्बा ने महावागवादिनी नामक अस्त्र का प्रयोग किया था। उस दुष्ट दानव ने तस्कर अधम असुरों के ऊपर विद्या रूप वेद का सृजन किया था। महारागी ने दाहिनी हाथ के अंगूठे के नख से उसका तिरस्कार कर दिया था। भंड दैत्य ने अण्वास्त्र का रण में प्रयोग किया था। वहां पर उद्दाम पूर्ण जल के समुदाय में शक्ति सेना को डुबो दिया था। इसके अनंतर श्री ललिता के दाहिने हाथ की तर्जनी के नख से योजन पर्यंत आयत विस्तार से युक्त आदि कूर्म समुत्पन्न हुआ था। उस महान प्रतियान भोग खरपर से धारण किया था। शक्तियां बहुत हर्षित हुई थी और उन्होंने सागरास्त्र का भय त्याग दिया था। उस समुद्र जल को पूर्ण रूप से भगवान कूर्म ने जल का पान कर लिया था। दुष्ट दानव ने हिरण्याक्ष महान अस्त्र को छोड़ा था। उससे सहस्त्रों हिरण्याक्ष गदा लिए हुए थे। उनके द्वारा शक्तियों के हन्यमान होने पर शक्ति सेना में संतरास से विह्वलता हो गई थी और वे रण के कर्म से शिथिल होकर इधर उधर चलने लग गए थे। इसके उपरांत श्री ललिता देवी के दक्षिण हाथ की मध्यमा उंगली के नख से
कैलाश के समान श्वेत महान वराह उत्पन्न हुए थे। उसने वज्र के समान पोत्री से करोड़ों हिरण्याक्ष विदीर्ण कर दिए थे और मर्दित होते हुए वे सब क्षीण हो गए थे। इसके पश्चात भंडासुर ने महान क्रोध से भौहें तान ली थी। उसकी भ्रकुटी से करोड़ों हिरण्य समुत्पन्न हुए थे। वे जलते हुए आदित्य के समान दीप्त थे और दीपों के प्रहरणों से उद्यत थे। उसने शक्तियों की सेना का मर्दन किया था और प्रहलाद का भी मर्दन किया था। जो प्रहलाद शक्तियों का था वह परमानंद लक्षण वाला ही था। वह ही एक बालक होकर हिरण्याक्ष के द्वारा परिपीड़ित हुआ था। वह ललिता की शरण में प्राप्त हो गया था। रागी ने उस पर कृपा की थी। इसके पश्चात शक्तियों के आनंद स्वरूप प्रहलाद की रक्षा करने के लिए ललिता देवी ने दाहिने हाथ की अनामिका को हिलाया था। उससे जटाओं के जाल को हिलाने वाले तीन नेत्रों से युक्त जो जाज्वल्यमान थे, सिंह के मुख वाले पुरुषा आकार और कंठ के नीचे जनार्दन कारुद्र के रूप वाले, नखों के आयुधों से संयुक्त घोर अठास वाले उत्पन्न हुए थे। उनकी भुजाएं सहस्त्रों की संख्या में थी और वे ललिता की आज्ञा के पालक थे। जो भंड की बहों से समुत्पन्न हिरण्यकश्यप थे, उन सबको क्षण भर में कुलिश के समान कर्कश नखों से विदीर्ण कर दिया था। फिर ललिता देवी ने सब देवों के विनाशक एक महान घोर बलिंद्रास्त्र को प्रत्येक भंड महासुर के प्रति छोड़ा था। फिर महादेवी के दाहिने हाथ की कनिष्ठिका के नख के अग्र भाग से महान ओज वाले वामन सैकड़ों ही उसके दर्प के विनाश करने के लिए हुए थे, जो छोड़े गए थे। एक एक क्षण में बड़े हुए, हाथों में पाश लिए हुए महाबलवान अस्त्र से समुत्पन्न बलिंद्रों को पाशों बंधनों से बांधते हुए थे। दाहिने हाथ की कनिष्ठा के अग्र भाव से काम्य श्योषित उत्पन्न हुई थी, जिनके विशाल शरीर थे और महान उत्साह था। अस्त्र का उन्होंने विनाश कर दिया था। भंड दैत्य ने फिर उस संग्राम में हेह्यास्त्र छोड़ा था। उससे सहस्त्रों ही सहस्त्र अर्जुन समुत्पन्न हो गए थे। इसके पश्चात ललिता के अंगुष्ठ के अग्र भाग से क्रोधयुत प्रज्वलित सिंहनाद वाले भार्गव राम प्रकट हुए थे। उन्होंने कठोर परशु की धार से इन सब सहस्त्रों सहस्त्र अर्जुनों को विदीर्ण करके एक ही क्षण में नष्ट कर दिया था। इसके पश्चात भंड दैत्य ने क्रोध से हुंकार की थी। उस हुंकार से चंद्रहास कृपाणवान उत्पन्न हो गया था। वह सहस्त्रों राक्षसों की सेना से घिरा हुआ था। छोटा भाई कुंभकर्ण और नंदन और मेघनाथ को लेकर उसने शक्तियों की सेना को दूर तक मर्दित कर दिया था। इसके अनंतर ललिता देवी के बाएं हाथ की कनिष्ठिका के अग्र भाग से लक्ष्मण के सहित कोदंडराम उत्पन्न हुए थे। वह श्री राम जटा और मुकुटधारी थे, जिनके पृष्ठ पर तुणीर था। वे नील कमल के समान श्याम वर्ण के थे और बार बार धनुष को विस्फारित कर रहे थे। उन्होंने एक ही क्षण में दिव्यास्त्रों से राक्षसों की सेना का विनाश कर दिया। कुंभकर्ण भाई को और पौलस्त्य को मर्दित कर दिया था। लक्ष्मण ने मेघनाथ को, जो महान वीर था, विनष्ट कर दिया था। भंड ने फिर द्विदास्त्र को उत्पन्न किया था। उससे अनेक कपिगण पिंग लोचनों वाले उत्पन्न हो गए थे। वे क्रोध से अत्यंत ताम्र मुखों वाले थे और सभी हनुमान के तुल्य थे। वे क्रूर केंकारकारी थे और उन्होंने शक्तियों की सेना का विनाश किया था। इसके उपरांत श्री ललिता के बाएं हाथ की मध्यमा के नख से तालांक आविर्भूत हुआ था, जो क्रोध से अरुण लोचनों वाला था। नीले वस्त्र से उसका अंग पिनत था और कैलाश के समझ निर्मल था। विविधास्त्र से उत्पन्न समस्त कपियों का उसने विनाश कर दिया था। उस महाबलवान ने राजासुर नामक महान अस्त्र को छोड़ा था। उस अस्त्र से बहुत से भूत दानव समुत्पन्न हुए थे। उनमें शिशुपाल दंत वक्त्र, शाल्व, काशीपति, पौंड्रक, वासुदेव, रुक्मी ढिम्बक, हंसक थे। शंभर, प्रलंब, बाणासुर भी था। कंस, चाणूरमल, मुष्टिक, उत्पल, शेखर थे। अरिष्ट, धेनु, ककेशी, कालिय, यमलार्जुन, पूतना, शकर, त्रिणावर्त आदि असुर सभी थे। महावीर नर्क और विष्णु रूपी मूर असुर था। ऐसे बहुत से हथियारों को हाथों में लेकर सेनाओं के साथ आविर्भूत हो गए थे। उन सबके विनाश करने के लिए
श्रीदेवी के बाएं हाथ की अनामिका के नख से संभूत सनातन वासुदेव प्रकट हुए थे। वे चारों ने चतुर्व्यूह बनाया था जो फिर हुए थे। उनमें वासुदेव दूसरे संकर्षण थे, तीसरे प्रद्युमन और चौथे अनिरुद्ध थे। ये सभी आयुधों से संयुद्धत थे। इन्होंने उन दुराचारियों को जो भूमि पर भार के प्रवर्तक थे, वे राजा के रूप में छिपे हुए महासुर थे, उन सबका विनाश कर दिया था। इन सबके विनष्ट होने पर भंडासुर बहुत क्रुद्ध हुआ था और फिर उसने धर्म के विप्लावक घोर कली के अस्त्र को छोड़ा था। उससे आंध्र और पुंड्र राजा उत्पन्न हुए थे। किरात शवर, हूण और यवन पाप वृत्ति वाले उत्पन्न हुए थे। ये सब वेदों के विप्लावक, धर्मद्रोही और प्राणियों के हिंसक थे। इनके अंग मलिन थे और वर्णाश्रमों में सांक्रय करने वाले थे। इन्होंने ललिता शक्ति की सेनाओं का बार बार विमर्दन किया था। इसके पश्चात ललिता के वाम कर कमल से, जो प्रज्वलित कनिष्ठिका के नख से उत्पन्न कल्की नामक जनार्दन प्रभु हुए थे। यह अश्व पर आरूढ़ थे और इनकी श्री प्रदीप्त थी। इन्होंने अट्ठास किया था। उसकी वज्र के समान ध्वनि से सभी किरात बेहोश हो गए थे। सब मूर्छित होकर नष्ट हो गए थे और शक्तियां हर्षित हो गई थी। दशावतारों के नाथों ने इस दुष्कर कर्म को करके संपन्न किया था। फिर उस ललिता देवी को नमस्कार करके हाथ जोड़कर उसके आगे स्थित हो गए थे। प्रत्येक कल्प में मत्स्य आदि भर्म की रक्षा करने के लिए ललितांब के द्वारा नियुक्त थे। वे फिर वैकुंठ को चले गए थे। इस रीति से समस्त अस्त्रों के विनाशित होने पर उस दुराशयी ने महामोहास्त्र को छोड़ दिया था, जिससे समस्त शक्तियां मूर्छित हो गई थी। जगदम्बा ने शाम्भक शस्त्र को छोड़कर उस महामोहास्त्र को नष्ट कर दिया था। इस तरह से अस्त्रों और प्रत्यस्त्रों की धाराओं से महान युद्ध हुआ था। गभस्तीश अरुण अस्ताचल को जा रहा था। उस समय में ललिता देवी ने अस्त्र का प्रहार किया था। उस देवी ललितांबा ने नारायणास्त्र से युद्ध में उसकी समस्त अक्षोहिणी सेनाओं को भस्मीभूत कर दिया था। इसके अनंतर दीप्त कालाग्नि के समान कांति वाले पाशुपता अस्त्र से 40 सेनानियों को महारागी ने विमर्दित कर दिया था। इसके उपरांत वह दुष्ट एक ही शेष बच गया था और उसके सब बांधव मर चुके थे। वह भी क्रोध से प्रज्वलित हो रहा था और इस जगत के विप्लव को करने वाला था। महान प्रचंड, महान सत्व युक्त उस महासुर को सहस्त्रों सूर्यों के समान वर्चस्व वाले महाकामेश्वरास्त्र से परमेश्वरी ललिता ने भंड को गत प्राण कर दिया था। उसके अस्त्र की ज्वाला से उसका शून्यक नगर भी स्त्रियों, बालों, गोष्ठों और धान्यों के सहित तुरंत ही निर्दग्ध हो गया था। उस भंडासुर के विनाश से तीनों लोक हर्षित हुए थे। इस प्रकार से अनिंद्यशील वाली देवी देवों के कार्यों को करके श्री चक्र राज रथ के मंडल की श्री, वह तीनों जगतों की जननी, वह कामेश्वरी विजय श्री से सुसंपन्न विद्योत्मान वैभव वाली शोभित हुई थी। समस्त सेना भी युद्ध कर्म में खिन्न हो गई थी और भंडासुर के प्रबल बाणों की अग्नि से संतप्त हो गई थी। सूर्य के अस्त होने पर प्रथित प्रभाव वाली उसने जो श्री देवता थी अपने शिविर में बुला लिया था। हे तपोधनेन्द्र, जो भी कोई पुरुष ललितांबा के द्वारा किए गए इस भंडासुर के वध को एक बार भी पढ़ता है, उसके सब दुख विनष्ट हो जाते हैं और उसको 8 सिद्धियों की प्राप्ति होती है, तथा भुक्ति और मुक्ति दोनों ही उसके हाथ में होती है। यह पवित्र ललिता का पराक्रम समस्त पापों का नाशक और अशेष सिद्धियों का दाता है। जो मनुष्य पुण्य दिनों में इसको पढ़ते हैं, वे उत्तम भाग्य की समृद्धि को प्राप्त किया करते हैं।